ये आज हम बनाएंगे पालक पनीर, और उसके लिए देखिए मैं पालक देखिए मैं पालक धो रही हूँ। और फ्रेंड्स, पालक को या जो भी हरी सब्जी आप खरीदते हैं मार्केट से, उसको आप कोशिश करें कि या तो समरसी जो आता आपका ट्यूबवेल होता है उससे ताज़ा पानी निकाल के, क्योंकि आजकल सर्दी है और गर्म पानी आता है वो बेटर रहता है, बिल्कुल ठंडे पानी में ना धोएं, क्योंकि इतना पेस्टिसाइड इतने कीटनाशक का इसमें यूज़ होता है। तो मैंने गर्म पानी लिया है थोड़ा करके और उसी में इसको वॉश कर रही हूँ, तो उसी में धोएं, बहुत ही अच्छा रहता है। आजकल इतने कीटनाशकों का प्रयोग होता है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो देखिए मैंने अपने पालक को अच्छी से तरह धो लिया के बाद, यानी कि 4 to 6 में पढ़ाती हूँ, और उसके आने के बाद, पढ़ाने के बाद बच्चों के हम बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। चलिए दिखाती हूँ, ये हमारा होममेड पनीर है। ये मैंने दोपहर में ही निकाल दिया था। ये मैंने बॉईल कर लिया है पालक, और टमाटर चॉप करने लग रही हूँ। तैयारी करने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम बनाने में नहीं लगता। चॉप कर रही हूँ टमाटर, आई थिंक ये हो गए हैं बिल्कुल फाइन। मैं अलग निकाल लूंगी अब। मैंने इसमें पालक भी डाल दिया है, देखती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम पालक इसमें करके देख रही हूँ। ये देखिए देखिए, मिक्सी क्या करेगी, मिक्सी से भी बढ़िया इसमें चॉपर में ये जो बचा हुआ इसको भी मैं कर लेती हूँ। काटते हैं पनीर। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी डाल सकते हैं इसको बिना फ्राई करे, बट मैं ऐसे ही डालती हूँ। थोड़ा सा हल्का सा कर लेती हूँ, इतना डीप फ्राई नहीं करती हूँ। ये देखिए हमारे पीसेस कट चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल घर का एकदम फ्रेश पनीर है। शुरू करते हैं बनाना। यहाँ हमने ये देखिए पालक बॉईल करके चॉप कर लिया है। ये इधर हमारे टमाटो हैं। अब मैंने ऑयल डाल लिया है, और ये देखिए 1 चम्मच मैंने बेसन लिया है एज आलन के तौर पे, और इसको हम मिक्स कर लेंगे नमक डाल के। ये देखिए ये हमने तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ कह रही थी आज मैं प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करूँगी, और कोइंसिडेंस देखिए आज भी ट्यूसडे ही है। तो मैंने ऑयल डाल के इसमें जीरा चटकने के लिए डाल दिया है, प्याज लहसुन नहीं डालेंगे, फिर भी टेस्टी सब्जी हमारी ज़रूर बनेगी। तो चलिए ये हल्दी नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने आलन में हल्दी थोड़ी सी डाल दी थी। देखिए इतने शौक तैयार होता है, इतने हम कुछ मैं कुछ आपको बता रही हूँ कि ये आज की जो वीडियो है मेरी इस किचन में लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं अपने किचन का मेक ओवर करूँगी, जो आपको आने वाले व्लॉग्स में भी देखने को मिलेगा। आई होप आपको पसंद आएगा मेरे किचन का मेक ओवर। तो आज ये मेरी लास्ट वीडियो है, लास्ट शूट है इस किचन में, पालक पनीर से ऐड हुआ है। और ये आलन वाला बेसन का आलन जो लगाया था वो भी डाल दिया।
तो आप देखिए, आपको पीछे से बैक में सुनाई दे रही होगी आवाज, मक्खी हमारी आ चुकी है बिनबिनाती हुई। यानी कि अभी का इसको दूर से ही बड़ी खुशबू आ जाती है। बना रही हूँ मैं रोटी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने टाइटल में दिया था कि हमारे ब्लॉग का लास्ट वीडियो, तो फ्रेंड्स ये हमारे किचन का लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसके बाद हमने अपने किचन का मेकओवर किया था जो आपको आने वाले ब्लॉग्स में मिलेगा। तो ये इस किचन का लास्ट व्लॉग है। आई होप आपको पसंद आएगा। अपने फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। और डिनर का टाइम हो चुका है, आइए डिनर कीजिए। पालक पनीर खाइए नान के साथ, रोटी के साथ, एज यू विश। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आइए आप भी खाइए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।